नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज। दोस्तों, बांदा मंडल मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर नरेनी रोड पर स्थित कोलावल रायपुर गांव में विद्याग्राम समिति और चिंगारी संगठन के संयुक्त बैनर तले एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दिल्ली, गुजरात सहित कई अन्य प्रदेशों से आए हुए कई अन्य संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों ने भाग लिया और अपने अपने अनुभव साझा किए। इस बैठक में शिक्षा, पलायन, मनरेगा पर मजदूरों के साथ धांधली, बिजली विभाग की मनमानी और शमशान घाट की मांग आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों के जीवन को कैसे और बेहतर बनाया जाए, इस पर रणनीति बनाई गई और ग्रामीणों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाकर उन समस्याओं का समाधान कराने का संकल्प लिया गया। मैं संगीता श्रीवास्तव हूँ, परमार समाज सेवी संस्था झांसी से हूँ और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जल सहेलियां हैं। हम लोग मुख्य रूप से पानी पर काम करते हैं, पानी के जल संरक्षण को लेके, जल संवर्धन को लेके, नदियों की साफ सफाई को लेके, नदियों को पुनः जीवित करने के लिए इस पर काम किया जाता है। चिंगारी संगठन जो काम कर रहा है महिलाओं के मुद्दों पर, छोटी छोटी चीजों पर, वो भी काफी अच्छा है क्योंकि इस पर लोग काम नहीं करते हैं। नई चीज ये देखने को मिली है कि संगठन में लोग मिलकर साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें और ज्यादा इसलिए काम करने की आवश्यकता है कि लोग और अधिक बाहर निकलें, क्योंकि जब तक लोग अपने मुद्दों को समझेंगे नहीं, एक साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक इसमें सफलता हासिल करना बहुत मुश्किल होगा। हम लोग जो है अपने गांव में पानी पंचायत वगैरह बनाई गई है, हम बहुत छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर पर काम करें, सरकार के साथ भी हमारी बातचीत होती है, काम होता है, गांव के स्तर पे भी, हम पंचायत के स्तर पे भी, सभी स्तरों पे हम उनके साथ काम करते हैं ताकि हमारा बुंदेलखंड पानीदार हो सके। नाम क्या है आपका? सन्नी भाई। कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। यहाँ का लोग पिछड़े है, सही बात है, लेकिन उनका दिल पिछड़े नहीं है, वो कुछ करना चाहते हैं, इसलिए राजे भैया के सहयोग से यहाँ लोकमंच की शुरुआत की है। और मैंने तीन चार बार यहाँ आ चुका हूँ और जब मैं यहाँ आता था तब तब मुझे लगा कि यहाँ काम करने के लिए जरूरत है। इस तरह की समस्याएं यहाँ पर मुद्दे देखने को मिल रही है आपको? शिक्षा का है, प्राथमिक सुविधा का है, अन्न अधिकार का है और छुआछूत है, ये सब देखकर लगता है कि हम स्वतंत्र भारत में नहीं है और उनको अभी तक संविधान ने जितना अधिकार दिया वो अधिकार मानने के लिए उनको मौका नहीं मिला अभी तक, इसलिए कुछ कुछ कोशिश हो रहा है। क्या रणनीति तैयार करेंगे आप यहाँ के लोगों को इन चीजों से मुक्ति दिलाने के लिए? लोग आगे बढ़े, हाँ, लोक नेतृत्व अगुवाई वही करने का, इसलिए मैंने बताया दूसरे के भरोसे में रहना जरूरत नहीं है, आप अपने से अपना संगठन करके आगे बढ़ना और किसी के साथ किसी राजकीय पक्ष कर धर्म के साथ रह के कुछ क्या है दूसरे की आशा पर करने के लिए जरूरत नहीं है। आम स्वतंत्र व्यक्ति होने के लिए न्याय हमको मिलेंगे, सबको मिलेंगे और भेदभाव मिटाकर सबके साथ भाईचारा से रहकर सबको न्याय दिलाएंगे, ये हमारा मकसद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंसिका है। कहाँ की रहने वाली? मैं जिला बांदा ग्राम नंगनेधी भगोखपुरवा की रहने वाली हूँ। आप शिक्षा पे किस तरह से काम कर रही हैं और कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली? मुझे ये प्रेरणा विद्याधाम समिति से मिली है और राजा भैया की मतलब संस्था में मैं काम कर रही हूँ, उन्हीं की मतलब मैंने सेंटर खोला है और जो स्कूल नहीं जाते थे मैंने उन बच्चों को स्कूल भेजा है और मैं उन्हीं बच्चों को पढ़ा रही हूँ जो मेरे सेंटर में लगभग 30-40 बच्चे आ जाते हैं पढ़ने। कब से पढ़ा रही हैं बच्चों को? मुझे एक साल हो गया, मैंने 1 जुलाई से शुरू किया था 2023। इन बच्चों से किसी तरह का कोई पैसा लेती है? नहीं, मैं निःशुल्क पढ़ा रही हूँ क्योंकि वो भी गरीब समाज से है और गरीब घर के बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा भैया है और मैं चिंगारी संगठन से जुड़ा हूँ। आज यहाँ पर किस तरह का आयोजन हुआ है? ये चिंगारी संगठन की समीक्षा बैठक है। संगठन के लोग 6 महीने में एक बार इकट्ठा होते हैं, वो अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं और आगे कामों की रणनीति तैयार करते हैं।
तो ये वही मूल्यांकन बैठक थी जिसमें चिंगारी संगठन के 25 गांव के लगभग 300 जो वॉलंटियर्स हैं वो सब इकट्ठे हुए हैं और इन्होंने यहां आकर के अपने कामों की समीक्षा की है, आगे के कामों का प्लान किया है और जो क्षेत्र के तमाम सारे बुंदेलखंड से संबंधित जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा का मुद्दा हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सरकारी योजनाओं का हो, उन मुद्दों के क्रियान्वयन के लिए कैसे सब लोग मिलकर के पहल करें, कैसे सब लोग मिलकर के आगे बढ़ें, इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। देखिए यहाँ शिक्षा का मुद्दा है, तमाम सारे विद्यालय बंद पड़े रहते हैं, बच्चों की उपस्थिति न होने का पाने के कारण लगभग 250 विद्यालय बंद होने की कगार पर हैं, आंगनबाड़ी केंद्र बंद पड़े हैं, मनरेगा के काम ठप्प पड़े हुए हैं, मनरेगा में जिन मजदूरों ने काम किया है उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, कोटेदार राशन नहीं दे रहा है, तो ये तमाम सारे मुद्दे समूह चर्चा के दौरान निकल करके आए हैं और इनमें तय हुआ है कि इन सारे मुद्दों के समाधान के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा और उनको एक समय दिया जाएगा कि इस समयावधि के अंतर्गत हमारी इन समस्याओं का समाधान करें और अगर समयावधि के अंतर्गत समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं तो हम सारे लोग आंदोलन करेंगे। कि इसमें जो है कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है, परमार्थ समाज सेवी संस्था है और उनका जो जल संरक्षण में काम है उनकी जल सहेलियां इस कार्यक्रम में आई थी, गुजरात के कई सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो आए थे, कुछ लोग दिल्ली से आए थे और जो इस तरह की समीक्षा बैठकें होती हैं तो उन समीक्षा बैठकों में जो संगठन के जो काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनके अनुभव हैं उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए ऐसे लोगों को आमंत्रित करते हैं, उनके सुझाव और अनुभव लेते हैं और उन अनुभवों को भी अपनी प्लानिंग में शामिल करते हैं।